Welcome everyone to our geotechnical engineering video lecture series. Today we are going to learn about the shear strength of soil. So basically let's start with the content covered in the syllabus. First one is what is shear strength of soil. Then after we go through the definitions and then more circle and their stresses. Then after Mohr's strength theory, then Mohr coulomb failure theory, then after shear strength based on drainage conditions, and in last we are going to see about test to find out the shear strength of soil. So first one, what is shear strength of soil, right? So shear strength is a term used in the soil mechanics to describe the magnitude of the shear strength that a soil can sustain. So simple language में समझे इसको, तो ये soil की capacity है load carry करने की, ठीक है? अगर मतलब final point कि उसके ऊपर ज़्यादा मैं stress दूंगा, उसके ऊपर load दूंगा, तो फिर वो shear में fail हो जाएगी. तो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी होगी टू कैरी अ मैग्नीट्यूड. ओके, देन द शियर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड इंटरलॉकिंग ऑफ द पार्टिकल्स एंड पॉसिबली सीमेंटेशन और बॉन्डिंग एट अ पार्टिकल कॉन्टेक्ट. यस, तो बेसिकली सीयर जो रेजिस्टेंस होगा सॉइल का, जो सॉइल सीयर में फिल होने से रेजिस्ट करेगी, उसका मेन कारण क्या हो सकता है सॉइल के अंदर जिससे हमें सीयर स्ट्रेंथ मिलती है, राइट? तो पहले यहाँ पे इन्होंने बताया कि फ्रिक्शन, राइट? तो इट इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और इंटरलॉकिंग ऑफ द पार्टिकल्स, राइट? तो इजिली समझे तो जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे उनकी उनकी सरफेस थोड़ी रफ होंगी, तो शायद वो सरफेस के रफ होने के कारण जो फ्रिक्शन जनरेट होगा या तो वो हो सकता है या फिर सॉइल पार्टिकल्स का ऐसा अरेंजमेंट जो एक दूसरे से इंटरलॉकिंग हो जाएंगे, राइट? तो वो दो कारण से हमें स्ट्रेंथ मिल सकती है. एंड अनदर वन रीजन इज सीमेंटेशन और बॉन्डिंग, मतलब जो कोहेजन इफेक्ट आती है. जैसे कि क्ले की बात करें हम, तो हमें क्ले के अंदर कोहेजिव इफेक्ट देखने के मिलती है, राइट? तो वो क्या होता है कि जो भी हमने आगे शायद पढ़ा है उसके बारे में, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसके आजू बाजू की सरफेस में, ऊपर की सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होता है, और सॉइल पार्टिकल्स होते मिनरल्स होते हैं जो सॉइल के उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को जकड़ के रखेंगे, राइट? जैसे कि बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स हर एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज से वाटर का लेयर लग जाएगा, ठीक है? एंड मिनरल्स वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे जकड़ के रखेंगे, आइदर इट इज अ केमिकल बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग, राइट? सो इट इज अ कोहेजन, राइट? सो ड्यू टू दिस टू फोर्सेस, फर्स्ट वन इज अ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड अनदर वन इज अ कोहेजन, राइट? ड्यू टू दैट टू टर्म्स वी कैन get a shear strength from the soil, right? So let's jump to the definition. So I'm talking about the cohesion word, right? So what is cohesion actually? It is the attraction between the molecules of the same material is called cohesion. Do molecules ke bich ka ek attraction hoga, right? Then dry sand is cohesion less. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वेट होगा वाटर का, क्या होता है लेयर लग जाते हैं सॉइल के आजू बाजू के ऊपर, उसके कारण वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होते हैं, राइट? अगर सैंड है, राई सैंड है, तो उसमें कोहेजन कुछ नहीं होगा, जीरो होगा. और वेट सैंड होगी तो उसके अंदर हमें अपियरेंट कोहेजन मिलता है, ठीक है? अपियरेंट कोहेजन तब होता है कि जब सीयर इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है, राइट? इफेक्टिव स्ट्रेस हमें जीरो मिलेगा उसके अंदर, तो उस टाइम कुछ स्ट्रेंथ उसके अंदर रहेगी, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में. वो हमारा होता है अपीयरेंट कोहेजन, जो हमें वेट सैंड के अंदर काफी बार देखने मिलता है. देन
addition of water in the dry end induces a little cohesion in it, right? जैसे मैंने आपको apparent cohesion की बात की वही है. A clay soil has a maximum cohesion. Obviously we know जो clay होती है उसके अंदर cohesion की मात्रा ज्यादा रहती है, इसकी इसीलिए उसी के कारण हम उसे cohesive soil पन कहते हैं, right? So the cohesion of a soil depends on the fineness of clay particle, amount of clay, water content of soil. तीन reasons है जिसके कारण हमें soil के अंदर cohesion मिलेगा, right? एक तो fineness हो गई soil की, amount of clay, percentage of clay कितना है उसके अंदर, and water content of soil, कि उसके अंदर moisture content कितना रहेगा. तो ये सब रीजन है जिसके कारण हमें कोहेजन पता चलेगा. आई होप आप लोगों को कोहेजन वाला फंडा थोड़ा क्लियर हो गया आपके यहाँ पे. अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की, ठीक है? तो हम उसके पहले इंटरनल फ्रिक्शन समझ लेते हैं. व्हाट इज इंटरनल फ्रिक्शन? तो इट इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल एट देयर कॉन्टेक्ट पॉइंट इज नोन एज द इंटरनल फ्रिक्शन. मतलब जो इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल है उसकी सरफेस की रफनेस के कारण वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट पे फ्रिक्शन जनरेट करेंगे, जिसको हम इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं. ओके, नाउ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, हियर नोट डाउन दैट कोहेजन इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, राइट? एंड द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय फाई. ओके, सो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस between the soil particles as same internal friction, but here this is directly proportional to the normal stress, right? So it is gives some angle between the normal stress to shear stress, between normal to shear stress, right? So it will be denoted by the angle of internal friction phi. Okay, now let's understand about this terms throughout the Mohr circle stresses. So let's jump to the Mohr circle stress. So what is the Mohr circle stress? At any point a strained material, there exist three mutually perpendicular planes on which only direct stresses are acting, no shear stresses acting, राइट? कोई भी मटेरियल ले लो आप, उसके अंदर तीन तरीके के उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, राइट? दिस आर नोन एज अ प्रिंसिपल प्लेन. द नॉर्मल स्ट्रेस दैट एक्ट ऑन द प्लेन आर कॉल्ड द प्रिंसिपल स्ट्रेस. तो कोई भी मटेरियल है उसकी सरफेस है, ठीक है, हम उसको प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे. उस प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेसेस लगेंगे, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जो भी उसके ऊपर लगने वाले उसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे. क्लियर? अगेन, ऐसा प्लेन कि जिसके ऊपर कोई भी फोर्सेस लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन. ठीक है, वही प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर जो भी स्ट्रेस लग रहे नॉर्मल स्ट्रेस उसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, ये नोट डाउन कर देना. देन द लार्जेस्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड द स्मॉलेस्ट द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस. ओके, सो व्हाट इज दिस? दैट नॉर्मल स्ट्रेस व्हिच हैज द मैक्सिमम वैल्यू इज कंसिडर एज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस. मतलब क्या हुआ, जिसकी जो ज्यादा वैल्यू का लोड लग रहा है प्लेन के ऊपर, ठीक है, जो स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, आप मान के चलो तीन टाइप के स्ट्रेस है. एक 0.0001 किलोन्यूटन का है, 0.0001 किलोन्यूटन का है, दूसरा 10 किलोन्यूटन का है, और तीसरा है वो 50 किलोन्यूटन का है. तो अब यहाँ पे जो 50 किलोन्यूटन का स्ट्रेस लग रहा है, लोड लग रहा है, ठीक है, वो मेरा हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, राइट? एंड जो 10 किलोन्यूटन का स्ट्रेस लग रहा है वो हो जाएगा मेरा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. एंड जो थर्ड 0.0001 जैसा लग रहा था वो मेरा है
इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसको मैं सिग्मा ट्यूब से डिनोट करता हूँ। बट हालांकि मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया, उसकी वैल्यू बहुत ही निग्लिजिबल होती है, ठीक है, उसके कारण हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। जनरली वी कैन टेक प्लेस अ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। हियर ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज सिग्मा 3 एंड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा 1। ओके, दिस इज द सिग्मा 1 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये फंडा क्लियर हो गया आपका, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का। नाउ द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन्स आर रिस्पेक्टिवली डिजिग्नेटेड एज द मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड द माइनर प्रिंसिपल प्लेन एंड इंटरमीडिएट प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, तीन प्रिंसिपल प्लेन हम उसे डिजाइन डेजिग्नेट करते हैं, मेजर, माइनर एंड इंटरमीडिएट। क्लियर? नाउ लेट्स सी द फिगर टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, सो हियर यू कैन सी द फिगर, दिस फिगर इज ऑफ द मोर सर्कल। ओके, इस फिगर को हम मोर सर्कल की फिगर कहते हैं। ये एक इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल है जिसके ऊपर हमने स्ट्रेसेस बताए हुए, ठीक है। ये जो सॉइल पार्टिकल है उसके हम मेजर प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। इसकी ये वर्टिकल प्लेन होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। अब इसके ऊपर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 लग रहे हैं। ऑब्वियसली जो भी सॉइल पार्टिकल्स होंगे उसका ना वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रेस लगेगा। आप एज्यूम करो आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, ठीक है, तो आपका लोड किस डायरेक्शन में नीचे जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉइल के ऊपर पड़ने वाला है। क्लियर? तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा मेरा, वर्टिकल डायरेक्शन वाला लोड, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड सिग्मा 3 क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। क्लियर है? तो आप सोचेंगे सर यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम सिग्मा 1 से डिनोट करेंगे, ठीक है, जो मैंने आके आपको बताया था सिग्मा 3। फ्रॉम द फिगर वी कैन कंसिडर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड माइनर प्रिंसिपल इज सिग्मा 3। क्लियर? सो हियर इट इज सिग्मा 1 इज अ मेजर प्रिंसिपल एंड सिग्मा 3 इज अ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। आगे मैंने बताया था उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक है वो। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका सिग्मा 1 रहेगा फ्रॉम दिस फिगर, राइट। अब यहाँ पे जो प्लेन है आप देख सकते हो परपेंडिकुलर, उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहे हैं, इसलिए हम उसको मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस उसी हम कह रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगना चाहिए, इंक्लाइन डायरेक्शन में लगेगा तो उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस जहाँ पे लग रहा है उसको मैं मेजर प्रिंसिपल प्लेन कहूंगा, कम स्ट्रेस जिसको लगेगा वहां पे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहूंगा, राइट। सिग्मा 1 मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो वो प्लेन भी क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। सिग्मा 3 मेरा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो वो प्लेन क्या हो जाएगा, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर? बहुत सिंपल है। अब आप मान लो कि यहाँ पे ए बी पॉइंट पे वो सीयर में फेल हो रहा है, ये सॉइल सैंपल है, एक सॉइल पार्टिकल है, वो सीयर में फेल हो रहा है, तो ए बी पॉइंट पे हो रहा है फेल। तो अब ये फिगर मेरी ऐसी बन जाएगी, यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, जूम आउट करूंगा तो ए बी यहाँ पे क्या लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में सिग्मा 1 एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लग रहा है सिग्मा 3, और ए बी पॉइंट तो वैसा का वैसा, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है उसको मैंने जूम आउट कर दिया यहाँ पे। अब इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस दोनों लगने वाले, ठीक है। इस डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा और इंक्लाइन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें शियर स्ट्रेस लग रहा है ऐसा बोल रही है। क्लियर? तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का इक्वेशन क्या होगा इस फिगर के ऊपर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की फिगर है यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 3, यहाँ पे कोसाइंस लेने, राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल में कॉस, वर्टिकल में साइन, सेम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में क्रॉस, वर्टिकल में साइन, सिमिलर पैटर्न में सिग्मा पे भी यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे क्या होगा कॉस ऐसा वर्टिकल साइन, यहाँ इसके ऊपर ऐसा आएगा कॉस ऊपर साइन। क्लियर? हर एक के मैंने कोसाइंस कंसिडर कर दूंगा इस फिगर पे, तो मुझे सिग्मा का इक्वेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है।
सिग्मा का इक्वेशन बन जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू कॉस टू अल्फा, ठीक है, ये सिग्मा का। टाउ का क्या बनेगा इक्वेशन, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू साइन टू अल्फा, क्लियर। उसके ऊपर से मेरे को सिग्मा आर मिल जाएगा, सिग्मा आर क्या हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ओके। सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, होल अंडर रूट है। यहां पे आप ये फिगर देख रहे हो पूरी, ये फिगर मोस्ट आईएमपी फिगर है, ठीक है। कहीं पे भी मोर सर्कल का नाम आया तो सबसे पहले ये फिगर आपको ड्रॉ कर देनी है। इसको हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे, अभी बस इतना ही समझ रहे सिग्मा टाउ और सिग्मा आर का इक्वेशन। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इक्वेशन बताया आपको क्योंकि इसको सॉल्व करने की मेथड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट आपको इक्वेशन मांग रहे हैं लोग नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का क्या इक्वेशन, सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू कॉस टू अल्फा, एंड शियर स्ट्रेस का इक्वेशन है सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू साइन टू अल्फा। और ज्यादा से ज्यादा बोलो सिग्मा आर फाइंड करने का आएगा हमें, तो उसका इक्वेशन सिंपल है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ट्राइंगल के ऊपर से बनेगा सिग्मा आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगता है दोनों के, ठीक है, बीच में से। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम इसी मेथड से सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ हम बात करेंगे मूर कूलम स्ट्रेंथ थियरी के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज मूर कूलम स्ट्रेंथ थियरी एंड व्हेन इट इज डिराइव्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूर कूलम स्ट्रेंथ थियरी हमें कूलम ने 1776 के अंदर उसको एस्टैब्लिश किया था। इन हिज इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्व दैट वन कंपोनेंट ऑफ द शियरिंग स्ट्रेंथ कॉल्ड द इंट्रिंसिक कोहेजन, मतलब अपीयरेंट कोहेजन, इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन सॉइल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेसेस। मतलब उसने इन्वेस्टिगेशन में ऐसा ऑब्जर्व किया, सॉइल का टेस्टिंग कर रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो शियर स्ट्रेंथ है वो उसके अंदर एक अपीयरेंट कोहेजन नाम का टर्म जो सॉइल है उसके अंदर वो कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। वो स्ट्रेस के साथ उसको कोई लेना देना नहीं, उसकी वैल्यू फिक्स कहीं ना कहीं रहती ही है मौजूद अपीयरेंट कोहेजन की, क्लियर। द अदर कंपोनेंट नेमली द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस वेरियस डायरेक्टली एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ द प्लेन ऑफ द रप्चर, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो जो स्ट्रेस है उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटता जाएगा, ऐसा रहता है, ठीक है। तो वो वेरी होता रहता है, अप डाउन होता है अंटिल द प्लेन विल बी रप्चर। नाउ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट अ पॉइंट ऑन द पर्टिकुलर प्लेन वॉज एक्सप्रेस्ड बाय द कूलम एज अ लिनियर फंक्शन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ है वो पर्टिकुलर प्लेन जो जो नॉर्मल स्ट्रेस है उससे रिलेशन रखता है, ठीक है। जनरली पहले मोर ने ऐसा कहा था जो शियर स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के कारण हमें मिलती है और नॉर्मल स्ट्रेस के कारण मिलती है। तो तब हमें इक्वेशन मिला था शियर स्ट्रेंथ डिनोटेड विद कैपिटल एफ, ठीक है। तो कैपिटल एस इक्वल टू सिग्मा टेन फाई ऐसा बताया था, बट फिर कूलम्ब ने रिसर्च किया था उसमें उसने बताया था कि जो उसके सॉइल है उसके अंदर एक वैल्यू कुछ कॉन्स्टेंट रहती है, हर एक सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ कोहेजन रहता है, क्लियर। तो शियर स्ट्रेंथ है दो टर्म्स पे रहेगी डिपेंड, एक तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड दूसरा कोहेजन, ठीक है। सो उनका इक्वेशन क्या है मोर कूलम का,
shear strength is equal to C plus sigma tan phi. This is the most important equation for this chapter. ठीक है, मूर कूलम्ब स्ट्रेंथ थियोरी के अंदर का जो इक्वेशन है स्ट्रेंथ का, शियर स्ट्रेंथ का, वो है सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, जो आपको काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछेंगे, जीटीयू के एग्जाम में भी पूछेंगे, और उसके अंदर जो सम्स आते हैं उसके अंदर भी इसका ये इक्वेशन ही यूज हमें करना है ज्यादातर, राइट. वेर कैपिटल एच इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, वेर द सी इज द अपियरेंट कोहेजन, sigma is a normal stress on the failure plane and the phi is the angle of internal friction. Here the C and phi is also referred as the shear strength parameter, right? So note down this point, it will be asked in maybe in the competitive exam that which are the shear strength parameters. So usme alag alag niche terms nahi hongi, C, phi, tau or C or phi. तो आंसर क्या होगा, सी एंड फाइव बोथ आर कंसिडर एज अ शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर. नाउ यू कैन सी थ्रू द फिगर कूलम स्ट्रेंथ एनवेलप, यू कैन सी दैट इट इज द प्लॉट ऑफ अ नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस, राइट. सो इट इज अ नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस प्लॉट विच इज कंसिडर मोर कूलम स्ट्रेंथ थियरी, राइट. कूलम इन्वेंटेड दैट देयर इज अ परमानेंट appearance cohesion terms, right, permanent. So we can take here some value C, right. So it is your apparent cohesion. From this plane we can conclude it as a horizontal plane, and from that plane we make a merge of the strength envelope, right. So it is your failure plane, which is considered as a C plus sigma tan phi. This is your failure plane. इसके नीचे जो भी सॉइल की वैल्यू आएगी वो सेफ होगी. अगर इस पॉइंट से कोई भी वैल्यू बढ़ गई नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस की और ये ग्राफ के ऊपर आ गई तो आपका सॉइल फेल हो जाएगा, राइट. इसके अंदर है तो चलेगा, ये लाइन के अंदर की जो भी वैल्यू आएगी उसमें चलेगा, ठीक है. नाउ फ्रॉम दिस हॉरिजेंटल प्लेन, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेज जो फेलियर एनवेलप जो एंगल बनाता है वो है हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाइव. क्लियर. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें इसकी फिगर भी ड्रॉ करने की आएगी, इसके ऊपर से एग्जाम्पल भी सॉल्व करने आएगा, और हमें बोलेंगे कि सी एंड फाइव फाइंड करो, ठीक है. मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया होगा, हमको ऐसा बोलना बोलने में आएगा कि सी और फाइव फाइंड करो. तो हम क्या करेंगे, पहले प्लॉट्स यहाँ पे रख देंगे नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस के, उसको कनेक्ट करेंगे इस लाइन से, राइट. सी प्लस सिग्मा टेन फाइव वाली लाइन कनेक्ट करेंगे, देन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन एज्यूम करेंगे और फाइव फाइंड कर देंगे, ठीक है. उस पॉइंट से नीचे नॉर्मल स्ट्रेस की जो एक्स एक्सिस है वहां तक के पॉइंट को, सॉरी वाई एक्सिस का जो ओर्डिनेट है जीरो से लेके इस पॉइंट तक में हम कैलकुलेट करके सी फाइंड कर देंगे. क्लियर. ये है हमारा स्ट्रेंथ एनवेलप, मूर कूलम स्ट्रेंथ एनवेलप. सो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. आप होप आप लोगों को समझ में आए वीडियो में. अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखिए, या फिर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ अ न्यू टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.